गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता तो वो इस घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई कुछ बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर उस इंसान से बदला लेने की खाली पुलाव बनाते रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से न तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और न ही वो कुछ काम को अच्छे से कर पाते थे। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे एक सलाह दी कि यहाँ पास की एक बौद्ध मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ही बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों वो यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की इस समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए ये उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठे रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़े हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ कर रखा रहूं तो क्या होगा। लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं गिलास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़की ने ऐसा कहा। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द शुरू होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़की ने गंभीर शब्दों में कहा। फिर जिन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़की ने कहा, नहीं वजन तो नहीं बदला, तो भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। जिन मास्टर ने पूछा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। लड़की ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए। यह लड़की ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, तो जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और भी इन्हें बहुत देर तक अपने दिमाग में रखिए तो वह इंसान पागल होने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम आज ऐसी गलतियाँ ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक ने डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग, यानी चिंता छोड़ो और सुख शांति से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इसे सुन भी सकते हो गूगल ऐप पर। इस किताब में चिंता करने की आदत के छुटकारा पाने की कई सारे तरीके बताए गए हैं। मैंने
सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।